नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवान के टड़वा में। और टड़वा में जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि माँ सरस्वती जी की प्रतिमा यहाँ बनाई जा रही है। और प्रतिमा देख सकते हैं कि इधर चारों तरफ प्रतिमा है माँ सरस्वती जी का। और जो कलाकार हैं इन प्रतिमा को बनाने में लगे हुए हैं, उन कलाकार से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिमा कितना दिन से बना रहे हैं और बनाने में क्या क्या लगता है। तमाम चीजों की जानकारी मैं दूंगा आप सभी को। और थोड़ा खड़ा हो जाइए। क्या नाम पड़ेगा? गोविंदा। गोविंदा, और यहाँ प्रतिमा जो माँ सरस्वती जी की है वो आप ही बना रहे हैं? हाँ। बनाने में क्या क्या लगता है? पीओपी नारियल का जूट बांस वगैरह लगता है। कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए। राजस्थान, सब कुछ ये जो लगाने वाला है सब राजस्थान से लेकर के आए हैं? हाँ, जो साचा होता है वो राजस्थान से लाए, जो बांस उस तो यहीं पे मिल जाता है। अच्छा। पीओपी वगैरह तो यहीं पे मिल जाता है। कितना महीना से यहाँ पे आए हैं? 3 महीना हो गया। 3 महीना से माँ की प्रतिमा बना रहे हैं? हाँ, 3 महीना हो गया बना रहे इधर। कब तक तैयार हो जाएगा? अब तैयार हो गया, 2 दिन का और काम है, फिर तैयार हो जाएगा बस। कुल कितना प्रतिमा बना चुके हैं अभी तक? अभी यहाँ पे 80 है। 80 है। और कितना अभी तक मतलब बायना बट्टा आपको मिल चुका है? जो अभी 40-50 का मिल चुका है। 40-50 का मिल चुका है। अभी कोई कोई खाली भी है, अभी बाकी है। बाकी है। जो प्रतिमा बनाए हैं वो प्रतिमा बच जाता है उसको क्या करते हैं? रख देते हैं, अपना काम आता अगले साल। ये खराब थोड़ी ना होता है। तो राजस्थान लेके चले जाते हैं? नहीं, यहीं पे रख के जाते हैं, बिहार में कहीं पे। बिहार में आपके अपने लोग हैं? हाँ। और देख सकते हैं कि इधर प्रतिमा बनाया जा रहा है और पेंटिंग किया जा रहा है। पेंटिंग जो है खरीद कर यहीं से लाते हैं कि राजस्थान से खरीद के लाए? ये यहीं पे मिल जाता है। डिस्टम्बर है जो घर और में लगता है ना, डिस्टम्बर वो भी मारा जाता है सफाई के लिए। और एक लेडीज है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ी राहुल? नहीं बोलेंगे। अच्छा, नहीं बोलेंगी। तो देख सकते हैं कि मूर्तियां जो है कि प्रतिमा जो है माँ सरस्वती जी की धूप में रखा गया है। और अभी धूप निकला है, ठंडी का मौसम है। और आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। और इसका जो प्राइस है, जो दाम है, कितना में मतलब बेचते हैं मूर्ति जो है? सब अलग अलग, 4000 वाला, 5000 वाला, 3000 वाला, 2500 वाला, 2000 वाला, 9000 वाला। सबसे कम दाम की मूर्ति कितना से स्टार्टिंग है? 2000 से स्टार्टिंग, 2500 से। और लास्ट जो सबसे ज्यादा कीमत वाला कौन मूर्ति है? 9500 वाला, बड़े वाला है। 9500 वाला। ये जो मूर्ति जो सामने दिख रहा है? हाँ, ये 9500 का है। 9500 वाला। तो देख सकते हैं कि ये बगल में देख सकते हैं कि चारों तरफ माँ की प्रतिमा है। और प्रतिमा को पेंटिंग किया जा रहा है पूर्ण रूप से। कुछ तैयार हो चुका है और कुछ तैयार नहीं हुआ है। तो जो कारीगर हैं, जो राजस्थानी कारीगर हैं, वो बना रहे हैं प्रतिमा को, पेंटिंग कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि एक रावटी यहाँ गिराया गया है। और रावटी में माँ की प्रतिमा, जो माँ सरस्वती जी की जो प्रतिमा है, इसी में रावटी में रखा गया है और बनाया जा रहा है, पेंटिंग किया जा रहा है। इधर आप लोग देखेंगे, मेरे इस साइड और दोनों साइड देखेंगे तो माँ की जो प्रतिमा है वो पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया है। जो माँ की जो प्रतिमा है देखेंगे कि अद्भुत अद्भुत, ये देख सकते हैं, अद्भुत प्रतिमा है। और चार दोनों बगल देखेंगे। और यहाँ जब आप आएंगे तो 2000 से लेकर के 9000 10000 तक की प्रतिमा आपको मिलेगा। और माँ की प्रतिमा देख सकते हैं कि चारों तरफ देखेंगे, इधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, पूरा इस राउटी में, इस कैंपस में माँ की प्रतिमा ही नजर आएगी। और कुछ इनसे हम बात करेंगे। इधर जो मूर्ति, जो प्रतिमा लगा है वो कितना का है? वो 4000 रुपए का है। 4000 का है। 4 2000 वाला भी इसी में है। 2000 वाला भी इसी में उधर रखा है, साइड में। साइड में है। तो आइए जरा दिखाइए थोड़ा सा। तो देख सकते हैं कि 2000 वाला भी इधर, 4000 का है और 9000 का भी मूर्ति है माँ की जो प्रतिमा है। और इधर भी देख सकते हैं कि चारों तरफ प्रतिमा ही प्रतिमा आप सभी को नजर आएगा। और ये 2000 वाला। और इधर आप लोग देखेंगे जो माँ की जो प्रतिमा थोड़ा सा छोट है, तो वो 2000 का जो है प्रतिमा जो है 2000 का है। और उधर जो है जो बड़ा बड़ा जो प्रतिमा आपको दिख रहा होगा वो 9000-10000 के करीब है। और इधर देख सकते हैं एक कलाकार भाई साहब पेंटिंग कर रहे हैं, माँ की जो प्रतिमा है पेंटिंग कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जब भी आप सिवान में यदि आइएगा तो यहाँ आपको माँ की प्रतिमा मिलेगी। अभी खास करके सरस्वती पूजा का दिन है, तो यहाँ सरस्वती पूजा का दिन है, उसी की वजह से आप लोग यहाँ बना रहे हैं। हाँ, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, 5 साल हो गए। 5 साल से यहाँ कर रहे हैं? हाँ। पढ़ाई हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई, पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं किए हैं तो इसी में काम में लग गए। शादी उदी हो चुकी है। हाँ। तो देख सकते हैं कि पढ़ाई नहीं किए हैं और पुश्तों से चली आ रही है ये जो है।
मूर्ति जो खानदान हमारा ये करता आ रहा है, खानदानी खानदानी ये मतलब चलते आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कलाकार भाई साहब इधर भी है और इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? गोविंद। गोविंद अभी क्या कर रहे हैं? आंख बना रहे हैं। आंख बना रहे हैं। अब कब तक रेडी कर देंगे सब मूर्ति जो है? हो जाएंगे दो दिन के बाद। दो दिन बाद सब रेडी कर देंगे। दो दिन बाद सब जो कि जो बहना बेटा जो युवा लड़का जो भी दिया है वो लोग लेकर के जाएंगे दो दिन बाद। नहीं दो दिन बाद नहीं, अभी वो जाएंगे 25 तारीख को लेके जाएंगे। 25 तारीख को सभी सबको जो जो बहना बेटा दिया है वो लेकर चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये मूर्ति जो है टिकाऊ आदमी रखे तो कितना दिन तक रख सकता है मूर्ति? घर में रखे तो 4-5 साल रख सकते हैं। 4-5 साल। हाँ, अब लोग ले आते विसर्जन कर देते पूजा पाठ करके और क्या। सरस्वती माता इतना बड़ा मूर्ति कोई घर में नहीं रखेगा, नहीं रख सकता, इसीलिए। देख सकते हैं इनकी कलाकारी को और काफी अच्छा लगा इनसे बात करके और इनसे पूरा जानकारी में आप सभी को दिया और धन्यवाद।